नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपके लिए ऐसा मॉडल तैयार करके लाए हैं जिसकी मदद से आप मिर्च की खेती करके लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मिर्च की कौन सी किस्म कितना उत्पादन प्रति हेक्टेयर देती है, कितना बीज लगता है प्रति हेक्टेयर, खाद प्लस बीज प्लस दवाई सबके बारे में बात करेंगे किसान साथियों। इसके पहले आपने हमारे चैनल मंडी बाजार भाव अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक कर लें जिससे हमारी डेली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सी किस्म कितना उत्पादन देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्च की पूसा ज्वाला किस्म की, जो कि 15 से 20 क्विंटल यानी कि सूखी मिर्च का उत्पादन देती है प्रति हेक्टेयर। कल्याणपुर चमन किस्म की बात करें किसान साथियों तो 25 से 30 क्विंटल सूखी मिर्च यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है ये कल्याणपुर चमन किस्म। कल्याणपुर चमत्कार किस्म की बात करें ये एक संकर किस्म है। और कल्याणपुर वन किस्म की बात करें किसान साथियों तो ये यानी कि 215 दिन में तैयार हो जाती है। और इसके उत्पादन की बात करें कल्याणपुर वन की तो 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। इसके बाद में बात करें हम कल्याणपुर टू किस्म की, यह 210 दिन में तैयार हो जाती है ये फसल। और उपज की बात करें इसकी तो 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है कल्याणपुर टू किस्म। सबसे ज़्यादा मिर्च की किस्म में उत्पादन देने वाली किस्म है पंजाब लाल, यह बहुवर्षीय किस्म है। इसकी उपज की या उत्पादन की बात करें तो यानी कि 47 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखी मिर्च का उत्पादन देती है पंजाब लाल मिर्च किस्म। इसके बाद में बात करें किसान साथियों तो जो दूसरी किस्म है वो पूसा सदाबहार, ये एक 12-मासी किस्म है जो एक गुच्छे में कम से कम 6 से 12 मिर्च इसमें लगती है। इसमें एक साल में 2 से 3 फलन होता है किसान साथियों। उपज की बात करें प्रति हेक्टेयर तो यानी कि 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है पूसा सदाबहार किस्म सूखी मिर्च का। और जो जो इसका टाइमिंग है वो है 150 से 200 दिन का टाइम लेती है। और शीतकालीन मौसम यानी कि जून जुलाई में इनको बोने का टाइम है और ग्रीष्मकालीन में आप दिसंबर जनवरी में इनकी बुआई कर सकते हैं। तो आपकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।